हेलो थर्ड क्लास स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल। हाउ आर स्टूडेंट्स? आई होप फिट एंड फाइन होम। आई होप आप अपनी स्टडी कंटिन्यू घर पर कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट रिवीजन एक्सरसाइज 5.2। लास्ट वीडियो में मैंने आपको रिवीजन वर्क में 5.1 कराई थी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी बच्चों। तो बच्चों, आज मैं आपको रिवीजन वर्क में 5.2 करा रही हूँ, जिसे आपके जो पीछे के चैप्टर रह गए थे मैथ में, या जिस बच्चों ने वीडियो नहीं देखी थी तो वो आप ध्यान से इन वीडियो को देख के अपने जो समय अच्छे से समझना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सारे बच्चे अपनी जो बुक है वो ओपन कर लीजिए। हमारी एक्सरसाइज है 5.2 जो मल्टीप्लीकेशन की है। मैंने 5.1 में आपको मल्टीप्लाई कराए थे और आपको होमवर्क में भी दिया कि आपको 2 से लेकर 10 तक की टेबल रन करनी है। आई होप आपने कर ली होगी बच्चों। तो अब हम आगे चलते हैं। जो हमारी एक्सरसाइज है 5.2, इसमें फर्स्ट जो है हमारा फिलिंदा ब्लैंक्स है। फर्स्ट हम जो दिए हुए हैं वो फिलिंदा ब्लैंक्स हैं, तो मैं आपको करके दिखा देती हूँ। बाकी क्या आपको खुद से भरने हैं कि भाई आपने टेबल जो लर्न करी है वो अच्छे से आपको लर्न हुई है या नहीं हुई है, या ऐसे ही बोल रहे हो। तो फर्स्ट है जो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स है, ए है जो बेटा हमारा 5 × 1 = इसमें हमें भरना है। तो 5 की टेबल हम 1 टाइम रीड करेंगे, तो 5 × 1 = 5, इज दैट क्लियर? अब देखो एक और देख लेते हैं हम, 7 × 5, 7 की टेबल हमें 5 टाइम पढ़नी है, रीड करनी है, तो 7 × 7, 7 × 2 = 14, 7 × 3 = 21, 7 × 4 = 28, 7 × 5 = बेटा बताओ, 7 × 5 = टेल मी, आपने याद की हुई है टेबल, बताओ 7 × 5 = कितने होंगे? 7 × 5 = 35। अब सी है हमारा 8 × 2, 8 की टेबल हम 2 टाइम काउंट करेंगे, पढ़ेंगे, तो बताओ बच्चों 8 × 1 = 8, 8 × 2 = टेल मी, 8 × 2 = 16। ओके बच्चों, शाबाश। आप 9 की टेबल करेंगे हम, 9 को हम 4 टाइम रीड करेंगे, तो कितना आएगा? 9 × 9, 9 × 2 = 18, 9 × 3 = 27, 9 × 4 = 36। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? अब आगे चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट है हमारा मल्टीप्लाई का। फर्स्ट पार्ट में तो बेटा हमने टेबल काउंट की थी, ठीक है, हमने भाई 7 की टेबल 5 टाइम हमने करनी है। अब हमारे आ जाते हैं सम के टाइप में, कि हम सम आ जाए मल्टीप्लाई का, तो वो हम कैसे करेंगे? तो बेटा फर्स्ट हमारा दिया हुआ है 54 को हम 2 की टेबल से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके बच्चों, 2 की टेबल से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या करेंगे? और हमेशा एक बात याद रखना बेटा, टेबल हमेशा इस साइड से शुरू होती है, ना कि आप इस साइड से करोगे, ठीक है? हम इस साइड से ही कोई भी सम करते हैं, प्लस का करते हैं, माइनस का करते हैं, तो हम इस साइड से ही अपनी जो सम होता है वो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। 2 की टेबल हम 4 टाइम काउंट करेंगे, तो कितना आएगा? 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10, इज दैट क्लियर स्टूडेंट? अब एक और देख लेते हैं जिससे आपको और भी अच्छे से मतलब क्लियर हो सके। 93 है, उस 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 के टेबल हम कितने बार काउंट करेंगे बेटा? ऊपर जो दिया हुआ है
उसको काउंट करेंगे। टेबल नीचे होती है और ऊपर हमारी जो डिजिट होती है उसको हम काउंट कर पढ़ते हैं। थ्री की टेबल हम थ्री टाइम रीड करेंगे। थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री नाइन जा ट्वेंटी सेवन। बेटा अगर आपको टेबल में कोई दिक्कत आ रही है या किसी बच्चे ने लर्न नहीं की है तो आप लर्न है फिर भी आपको मतलब ऐसे वर्बली बोलने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहाँ पर अपनी टेबल साइड में रफ वर्क में लिख कर फिर उसके बाद आप अपनी कर सकते हैं। जैसे देखो टू वन ज़ा टू, टू टू ज़ा फोर, टू थ्री ज़ा सिक्स, टू फोर ज़ा एट, टू टेन ज़ा टेन, टू सिक्स ज़ा ट्वेल्व, टू सेवन ज़ा फोर्टीन, टू एट ज़ा सिक्सटीन, टू नाइन ज़ा एटीन, टू टेन ज़ा ट्वेंटी। ये जो हमारे टू की टेबल हो चुकी है। ओके बच्चों, आपको भी अपनी नोटबुक में ऐसे ही राइट कर लेना वर्क वर्क में, रफ वर्क में। आप देखो 73 को हम 2 से मल्टीप्लाई किया हमने तो 2 की ये नीचे टेबल है और ऊपर डिजिट दिया, 2 को हमें 3 बार रीड करना है तो 2 वन जा 2, 2 थ्री जा सॉरी 2 फोर जा 2, 2 टू जा 4, 2 थ्री जा 6, 1 2 एंड 3, 3 पर हमारा क्या आ रहा है बेटा 6। ठीक है, अब 2 की टेबल हमें 7 टाइम पढ़नी है। भाई ऐसे तो हम वर्बली मतलब किसी को दिक्कत आती है सुनाने में 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, जो बच्चे होते हैं वो भूल भी जाते हैं अधिकतर। ऐसे अगर आप राइट कर लोगे तो अपनी साइड में तो आप भूलोगे भी नहीं और आपका जो समय वो अच्छे से हो जाएगा। देखो 7 टाइम हमें पढ़नी है, 1 2 3 4 5 6 7, 2 7 जा 7 पर क्या आ रहा है बेटा 14। तो जो हमारा समय वो अच्छे से हो गया और हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं आई और टेबल भी हमें लाना है, लर्न हो गई है। ठीक है, इज दैट क्लियर स्टूडेंट? आई होप आपको आज मैंने 5.2 एक्सरसाइज कराई है रिवीजन वर्क में, आपको मल्टीप्लाई के सम अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बेटा अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर या मेरे पर्सनल नंबर पर कॉल कर मुझसे पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, बाय, हैव ए नाइस डे।